हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूं दोस्तों एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ प्रतिदिन क्या काम होता है, कैसे काम होता है, क्या काम हो रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, आज हम अपने कारखाने पे आपको दिखाते हैं कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। दोस्तों, आइए दोस्त, ये रहा हमारा एस के इंजीनियरिंग वर्क जुगाड़ ठेला कारखाना, और आप यहाँ देख रहे हैं जुगाड़ ठेला बन रहा है दोस्तों। ये फ्रेम बन चुकी है, इस पे पत्ती, चक्का, डिफरेंशियल सारा चीज़ लग चुका है। ये दोस्तों हमारा एक गाड़ी बन रहा है, हमारे कस्टमर उन्होंने अपना एक खुद का इंजन, पावर टेलर का इंजन ला करके दिया था। ये आप इंजन देख सकते हैं दोस्तों, ये इंजन से उसको ठेला बनवाना था। तो मैं यहाँ इंजन को खोल करके अब इस पे फिटिंग करने की तैयारी कर रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं सारा फ्रेम वर्क हो चुका है दोस्तों, अभी अब इस गाड़ी पे फिटिंग किया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों, और आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। अभी हमारा इंजन फ्रेम पे चढ़ चुका है, चेचिस पे चढ़ चुका है इंजन, और अब इसके फिक्स करने का लिए सेंटर मिलाया जा रहा है, सेंटर मिलाया जाएगा। सेंटर मिलाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इंजन तक का सीधा कोना दिखाई देता है, सब चीज़ देख लिया जाता है, और सेंटर मिला करके आगे का काम। मैं अभी इस गाड़ी में गियर बॉक्स लगाने के लिए फ्रीव्हील लगा रहा हूँ, साथ में देख सकते हैं ये प्लेट लग चुकी है, यही प्लेट है जिसमें गियर बॉक्स टाइट होता है दोस्तों। हमारा ये काम देख रहे हैं गाड़ी में, आज मेरा गियर बॉक्स डिफरेंशियल के साथ कपलर शाफ्ट भी कनेक्ट हो चुका है। अभी दोस्तों मैं ये काम कर ही रहा था कि हमारे पास एक ठेला आ चुका है रिपेयरिंग के लिए, बेल्ट वाली ओल्ड मॉडल ठेला, उसमें ये लगना था दोस्तों। मैं अभी लगा रहा हूँ, लगवा रहा हूँ। ये देख रहे हैं फ्रेम, इसमें नया बना करके लगा दिया मैंने, ये नया फ्रेम लग चुका है इसमें दोस्तों। अब मैं पैर को आराम से रखने के लिए लेग रेस्ट लगा रहा हूँ, बस ये लग जाने के बाद ये गाड़ी भी मेरा रिपेयर होकर के फिनिश हो जाएगा इस। और दोस्तों अगर कोई कस्टमर हमारा है जिन्हें रिपेयर भी करवाना है तो हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम लोग गाड़ी रिपेयर करके भी देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मिनिमम से मिनिमम चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ रिपेयरिंग के लिए है तो बहुत ज़्यादा चार्ज हमारे यहाँ लिया जाता है, नहीं दोस्तों, मुनासिब जितना भी होता है उतना ही चार्ज में हम लोग गाड़ी बना करके दे देते हैं, रिपेयर करके दे देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हमारा आज का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। ये जो ऑर्डर का गाड़ी था, आज दूसरे दिन इस गाड़ी में लगभग इतना काम हो चुका है। और देखी जाए इस गाड़ी को, तो मैंने इस गाड़ी को भी फ्रेम लगा करके पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है, ये गाड़ी भी डन है दोस्तों। दोस्तों बने रहें हमारे वीडियो पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल पे बने रहें, इस तरह से आपको हमेशा हर दिन हमारे घर में क्या काम हुई है, कैसे जुगाड़ ठेला बन रहा है, नहीं बन रहा है, हर तरह की जानकारी आपको मिलते रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।